हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीता एंड आई वेलकम यू ऑल इन 5 मिनट वाला ज्ञान डोज, अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी विद डॉक्टर नीता। सो हमने लास्ट वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, हु इज टीचर, और हमने टीचर की कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ को देखा था। लास्ट वीडियो में हमने 3 क्वालिटीज़ देखी थी, अ गुड कम्युनिकेटर, कमांड ऑन लैंग्वेज एंड आई गेस इन्फ्लुएंसर। थ्रू एक्शन एंड डूइंग यू कैन एक्चुअली टीच अदर्स वेल। तो ये 3 क्वालिटीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखा था अच्छा टीचर बनने के लिए। अब थोड़े से और क्वालिटीज़ देखते हैं, एक अच्छा टीचर बनना है ना। सो हाँ, आज हम और 2-3 क्वालिटीज़ देखते हैं। तो एक अच्छी टीचर एक अच्छी लिसनर होती है ना। इफ़ you are not listening what your audience or your students wants to tell you through their body language, through their actions, through their emotions, feeling or direct communication, if you are unable to understand, if you are not listening to them, actually you are not giving your commitment to your job. Because learning is a teaching and learning is a two-way process, it's not a one-way process. And first thing is एक अच्छा listener जो होता है वो ही अच्छा communicator बन सकता है। बिना दूसरों की बात सुने समझे उनके साथ communicate करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तोते के साथ तोते की भाषा में ही बोलना पड़ेगा, उसको चूहे की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो बेसिकली क्या है कि उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो उनकी जो पैटर्न है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन डिमांड कर रही है, ये अगर बिना सोचे समझे आपके तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, तो देन अगेन द लर्नर बिकम कन्फ्यूज एंड लर्नर मे नॉट अंडरस्टैंड। सो या, गुड टीचर इज अ गुड लिसनर। Now, another quality of good teacher is she value real-time learning. She again implement best practices which are again related to current scenario and the real-world situation. मतलब कि जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें ऐसे लगता है कि दुनिया जो है ये बुक वाली एंड एग्ज़ाम वाली ये एक अलग स्कूल की दुनिया है, एंड मेरी जो अपनी लाइफ है ये एक अलग है। दे नेवर रिलेट दीज टू थिंग्स टुगेदर एंड दैट्स हाउ एक्चुअली जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में हम सीखते हैं उन चीज़ों को हम हार्डली इम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज हमें वो लगता है कि हाँ वो तो एग्ज़ाम के लिए है ना, वो मेरे लिए नहीं है, वो एग्ज़ाम के लिए, इसलिए लिखने के बाद भूल जाते हैं, इवन सब्जेक्ट के नाम भी याद नहीं रहते हैं बच्चों को एग्ज़ाम होने के बाद कि कौन सा क्या, क्योंकि कॉमन होते हैं स्कूल में तो दैट्स फाइन, बट अगर मुझे पूछो कि MCA के कौन से सब्जेक्ट्स कौन से सेमेस्टर में थे एंड ऑल, आई मे नॉट रिमेम्बर इट। इवन ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बिकॉज जो पढ़ा वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू था, एग्ज़ाम होने के बाद भूल गए। एंड अगर वैसा ही चलता रहा तो फिर वो एजुकेशन देने का फ़ायदा क्या, क्योंकि वो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। तो सबसे पहले रेलिवेंस बताओ, जो भी वो सीख रहे हैं उसका रियल लाइफ से क्या रेलिवेंस है, वो चीज़ वो क्यों सीख रहे हैं और उसको उन्हें कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। जब उन्हें ये रेलिवेंस मिलेगा, जब उन्हें ये समझेगा कि हाँ ये मेरे काम आने वाली चीज़ है, ये मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, तो एक्चुअली वो आपको सुनेंगे भी, समझेंगे भी, एक्टिविटी भी करेंगे, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि वो उन्हें खुद इम्प्लीमेंट करना है ना। वो ऐसा तो नहीं है कि बस एग्ज़ाम में आए और भूल गए तो भी चलेगा,
एंड इसकी वजह से आपको रियल टाइम सिनेरियोज एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स देना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हमने और दो बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचर्स देखी जो एक अच्छे एक टीचर को अच्छा टीचर या एक्स्ट्रॉर्डनरी टीचर बना सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।